इधर दिल्ली के बुरारी सामूहिक आत्महत्या मामले में कुछ और खुलासे हुए हैं। भाटिया परिवार से मिले रजिस्टर में भटकती आत्मा का जिक्र है, साथ ही आशंका जाहिर की गई है कि परिवार अगली दिवाली नहीं देख सकेगा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से एक ललित सिंह के शरीर में कथित तौर पर उसके पिता की आत्मा आती थी और इसके बाद वह अपने पिता की तरह हरकतें करता था और नोट लिखवाया करता था। रजिस्टर में 11 नवंबर 2017 की तारीख में ललित ने परिवार के कुछ हासिल करने में नाकाम रहने के लिए किसी की गलती का जिक्र किया है। उसमें कहा गया है, धनतेरस आकर चली गई, किसी की पुरानी गलती की वजह से कुछ प्राप्ति से दूर हो, अगली दिवाली न मना सको, चेतावनी को नजरअंदाज करने की बजाय गौर किया करो। इसके अलावा एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि दिल्ली के कराला का रहने वाला एक तांत्रिक जिसका असली नाम चंद्र प्रकाश पाठक है, उसको भाटिया परिवार के पास कई बार आते जाते देखा गया है। चिट्ठी में इस व्यक्ति ने अपना नाम लिखा है लेकिन इसे गुप्त रखने की अपील भी की है। ये चिट्ठी कितनी सही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। भाटिया परिवार के 11 में से 6 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को मिल चुकी है, जिसमें कहा गया है कि ये सभी लोग जिंदा फांसी के फंदे पर लटके थे जिसके बाद इनकी मौत हुई।